एक चीज़ का मुझे आज पता लगा है कि व्लॉगिंग कितनी मुश्किल है। वो जो व्लॉगर्स बहुत बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की। यार ये तो पार्क में पहली बार देख रहा हूँ, जिस पार्क के सामने मैं खड़ा हूँ ये तो हमारा रोड ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ यार मैं। आपका भाई पहली बार उधार के अंदर व्लॉगिंग कर रहा है और उनकी उनकी बात हो रही, बात कर रहा है। गाइस मेहनत मैंने करनी है, सपोर्ट आप लोगों ने करना है, कामयाब इंशाल्लाह हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, भरपूर तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ हॉस्पिटल में बैठ के, क्योंकि लास्ट मैंने जो व्लॉग एंड किया वो भी मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में ही एंड किया है। एक चीज़ का मुझे आज पता लगा है कि व्लॉगिंग कितनी मुश्किल है। वो जो व्लॉगर्स बहुत बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि ये देखिए मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हुआ और मेरी कमर थक गई है। पिछले कोई 1.5-2 घंटे से मैं बैठ के मोबाइल पर एडिटिंग कर रहा हूँ और चार्जर भी ये देखे मेरा लगा हुआ है और यहाँ पे बैठ के, और ये जो स्ट्रेचर है ना चेक करें बड़े आराम से इधर उधर हो जाता है, बड़ा स्टेबल करके बैठना पड़ता है, मतलब खुद को कंट्रोल करके बैठना पड़ता है। रात की मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, 2 दिन हो गए मैं प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाया और आज भी सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मम्मा को ब्लड लग रहा है और पता नहीं मैं आज रात को घर जाता हूँ या नहीं जाता। अगर चला गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर यहीं पर हैं हम, ठीक है। तो आज मुझे पता लगा है कि भाई कितनी मेहनत लगती है व्लॉगिंग के। तो आप लोग यार फिर भी ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते, अल्लाह के बंदो किया करो यार, किया करो। तो आपका भाई मेहनत कर रहा है यार, सपोर्ट करते होते हैं भाइयों को। तो अभी हम चलते हैं बाहर, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ये हॉस्पिटल में विजिट करवाता हूँ और थोड़ी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ना कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी चीज़ें ही दिखाऊंगा आपको, जो जहाँ जहाँ पे अलाउ है वो आपको दिखा सकता हूँ इजीली मैं। अच्छा तो फाइनली गाइज मैं अब घर जा रहा हूँ और जल्दी जल्दी आप लोगों को थोड़ा सा हॉस्पिटल जो है थोड़ी सी आप लोगों को इनकी इसकी चीज़ें दिखाता हूँ। ये है डोनर साइट जहाँ पे डोनर्स वगैरह होते हैं और ये वेटिंग एरिया है और अभी हम चलते हैं नीचे, ठीक है। और ये लिफ्ट वगैरह है यहाँ पे और ये स्टाफ बैठा हुआ है यहाँ पे इनका, और यहाँ पे लग रहा है ब्लड मामा को, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्लड लग रहा है मामा को, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर है। लाइट की वजह से आप लोगों को शो नहीं हो रहा पर इसके अंदर है, यहाँ पे ब्लड लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं नीचे और घर चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा तो गाइज ये है SIUT का, जो बाहर से मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा दिखाऊँगा आपको बाहर से, और ये है इसका थोड़ा सा व्यू SIUT का, और ये इसका गेट है बाहर वाला जहाँ से इनकी जो चीज़ें आती जाती हैं, मतलब मशीनरी जहाँ से आती जाती है, डेड बॉडीज आती जाती है यहाँ से, और पानी वगैरह जो होता है डायलिसिस का जो पानी वगैरह होता है वो यहाँ से आता रहता है, ठीक है। और ये भी सारा SIUT का ही है, ठीक है, और ये बिल्कुल एंड तक है SIUT का। और ये चेक करें कितने फ्लोर हैं इसके, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ, अभी पैदल ही जा रहा हूँ, और बस मैंने कहा यार पैदल भी इंजॉय किया जाए, 2 दिन हो गए थे बोर था मैं, तो मैंने कहा पैदल भी इंजॉय किया जाए। तो ये देखें रौनकें कराची की, कराची तो मुझे लगता है खुलते ही रात को है भाई। अच्छा तो गाइस ये चेक करें, यहाँ से हम व्यू ले रहे हैं इस बिल्डिंग से, ये जो नाम लिखा हुआ ना, इन डॉक्टर ने इस SIUT को बनाया था, इन डॉक्टर ने इस SIUT को बनाया था और आज बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है ये। अगर हम SIUT की हिस्ट्री पढ़े ना तो ये बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही छोटा, मतलब छोटे से एरिया से ये शुरू हुआ है और ये आज बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका है, मतलब एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये फैसिलिटेट कर रहा है और उनकी जानें बचा रहे हैं। और ये सारा बाजार है, ठीक है, और आपका भाई पहली बार बाजार के अंदर व्लॉगिंग कर रहा है और उनकी उनकी बात हुई बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था यार, मेहनत चल रही है आजकल। अच्छा तो गाइस पता नहीं कौन से पार्क में आ गया हूँ मैं, तो फर्स्ट टाइम पैदल आ रहा हूँ हॉस्पिटल से घर की तरफ, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ना ये बहुत दूर है घर से मेरे, तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर बनता होगा इजीली, तो मुझे नहीं आइडिया कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, फिर भी अपने हिसाब से चलते हैं। और ये पार्क है वैसे, है तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा। यार ये तो पार्क में पहली बार देख रहा हूँ, जिस पार्क के सामने मैं खड़ा हूँ ये तो हमारा रोड ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ यार मैं, अभी देखता हूँ कहाँ पे जाना है, क्या कर रहा हूँ यार मैं, पैदल दी खुशी दे वे, समझ ही नहीं आ रही कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। गाइज मेहनत मैंने करनी है, सपोर्ट आप लोगों ने करना है, कामयाब इंशाल्लाह हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा तो गाइज मैं पहले गलत रोड पे चला गया था और भाई ने मुझे रोड बताया, कहा कि ये सही रोड है जहाँ पे आपने जाना है, और ये अभी हम सीधा जाते हैं और फिर देखते हैं रास्ते में क्या क्या आता है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। गाइज कराची को लाइटों का शहर ऐसे नहीं कहते,
या चेक करें, ये खुलता ही रात को 7-8 बजे के बाद है। गाइस कोई 10 बंदों से पूछ लिया मैंने रोड का, पर हर बंदे ने मुझे वखरा वखरा बताया। ये मिल गया हमें सही रोड जो है ना, वो ये मिला हमें, तो हमने इस साइड पे जाना है। अच्छा ये झूले लगे हुए हैं, ये तो कॉलेज है यार, बड़े कमाल के झूले लगे हुए हैं यार यहाँ पे तो। अच्छा मैंने ना एक भाई साहब से लोकेशन पूछी, मैंने कहा यार ये XX रोड कहाँ पे है, मुझे कहते हैं कि आप बाइक पे हो पैदल हो, मैंने कहा यार पैदल हो, तो कहता वो तो बहुत दूर है आप रहने दो, मैं कहा यार छाड़ दे तुम ये रोड बता का भैया मैं चला जाऊंगा खुद ही। यार ये रोड के इस पार आ तो गया हूँ, अभी ये रोड क्रॉस किस तरह करना मुझे यही समझ नहीं आ रही, कितना रश है पीछे यार, गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, मैं किस तरह इसको क्रॉस करूँ यार। अच्छा तो गाइस हम सेफली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये रेंजर्स का हाउस है, और ये सामने PC होटल है, उसके साथ बिल्कुल अपोजिट मूवबिक है, ठीक है, और हम बड़े ही अजब तरीके से पहुंच गए हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मैं कराची में इस तरह खुलेआम व्लॉगिंग क्यों कर रहा हूं, मेरे पास ना एक वजीफा है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं, अगर आप उस वजीफे को अच्छी तरह पढ़ते हो और अल्लाह ताला पे यकीन करते हो, बात है यकीन की और वो भी अल्लाह ताला पे, अगर आप सिर्फ उस वजीफे को पढ़ते हो ना और अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते तो वो किसी काम का नहीं है, अगर आप पढ़ते भी हो साथ अल्लाह पे भी यकीन करते हो फिर वो आपके काम क्या है। अच्छा वजीफा क्या है आप लोगों ने क्या करना है, अव्वल आखिर दुरुस्त भी पढ़ लेनी है, और दरमियान में ना 4 बार आपने आयत कुर्सी पढ़ लेनी है मुकम्मल, ठीक है, और उसको ना अपने ऊपर फूंक लेना है, उसके बाद मैं कहता हूँ किसी के बाप की मिजाज नहीं आपको हाल लगा जाए, ठीक है। अच्छा सिर्फ उस वजीफे की वजह से मैं इतना, मतलब कराची के अंदर आपको पता है हालात कितने खराब है कराची में, और उस वजीफे की वजह से मैं खुलेआम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, बात है अल्लाह ताला पे यकीन की, अगर आप लोग यकीन करते हो तो आप लोग कामयाब हो जाते हो, अगर आप लोग यकीन नहीं करते तो सिर्फ उसको पढ़ते रहते हो, फायदा कोई नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को बताना और मैंने आप लोगों को बता दिया, और आगे आप लोगों का है कि आप लोगों ने उसके ऊपर अमल करना है कि नहीं करना। अच्छा तो गाइस ये आ गया PC होटल, ठीक है, कराची का, और ये आ गया मूवपिक जो कि फौज का है सारा, इसके बिल्कुल बैक साइड पे गवर्नर हाउस है, ठीक है, और ये आप लोग यहाँ पे रश देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है यहाँ पे, और मैं तकरीबन तकरीबन अपने घर के पास पहुंच चुका हूँ, तकरीबन कोई 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रह गया पीछे, वो भी हम कवर करते हैं, और उसमें भी जो जो होता है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और फिर घर जाके हम लोगों को एंड करेंगे। अच्छा गाइज ये है पुल जो हमारी सोसाइटी पे जाता है, पर मैं पुल की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नीचे, वो जो पटरी है ना लाइन जो है ट्रेन की लाइन, हम वहां से जाएंगे, और क्योंकि ये बहुत मतलब सफर पड़ जाएगा। मैंने लिटरली सुबह से थोड़ा सा खाना खाया, नाश्ता किया थोड़ा सा मैंने, और सारा दिन तकरीबन एक चेयर पे बैठा रहा हूँ मैं, और काम भी किया उसके अंदर, फिर तकरीबन मैं आप लगा लें कि 5-6 घंटे मैं एक जगह पे स्टिल बैठा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी बस हुई है, मैं तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक मैं पैदल चल के आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए व्लॉग करने के लिए। अच्छा जी गाइस ये आ गई लाइन्स, हमने इनको अब क्रॉस करना है और थोड़ा सा आगे जाना है, और हमारा जो होगा जो भी होगा यार वो आ जाएगा। अभी मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम ठुड्डा लगे और मैं नीचे हो जाऊँ। यार पीछे ना मुझे भाई मिले 2-3, कहते आप व्लॉग करते, मैंने कहा जी, कहते क्या नाम है, मैंने कहा जी अहमद सही व्लॉग, कहते बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, यार वो करते हैं आप लोग नहीं करते, यार आप लोग भी करो अल्लाह के बंदो। अच्छा तो भाई हम अपने फ्लैट पे पहुँच चुके हैं सेफली अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे 4 लोगों ने लिफ्ट भी देने की कोशिश की कि भाई आए आपको कंपनी में ड्रॉप कर देते हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी नहीं बैठ सकता, मैं पैदल ही ठीक हूँ। बताने का मकसद ये है कि लोगों के पास आते हैं लोग, भजन पैसे कटो मोबाइल कटो, मेरे पास आए लोग, भजन आपको हम ड्रॉप कर देते हैं, क्यों, मेरे पास वजीफा था, और मैं भी आप लोग को यही कहता हूँ और मैं चाहता भी यही हूँ कि आप लोग भी उसके ऊपर अमल करें, अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय एंड अल्लाह हाफिज़।